खबर पीलीभीत पूरनपुर से है, जहां पूरनपुर देहात के निवासियों ने जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में बताया, वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास में हम सभी प्रार्थीगढ़ ग्राम पंचायत पूरनपुर ग्रामीणों को प्राप्त हुआ था, जिसमें सभी की प्रथम किस्त 40,000 प्राप्त हुई, जिसमें सभी प्रार्थीगढ़ों ने बुनियाद लेवल और चौखट लेवल तक अपने अपने आवास बना लिए हैं। उसके बाद आवासों पर रोक लगा दी गई। कई बार सर्वे हुई परंतु आवास की शेष किस्तें नहीं आई। बताते हैं, एक माननीय के आदेश पर सभी लाभार्थियों की किस्त रुकवा दी गई, जिसको लेकर लाभार्थियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। लाभार्थियों ने जिलाधिकारी पुलकित खरे से अपनी समस्या का पत्र देकर दूसरी किस्त भेजने की मांग की है। हम सभी प्रार्थीगण मजदूर व भूमिहीन है, अतः महोदय से अनुरोध है कि हम सभी प्रार्थीगणों को सर्वे कर दूसरी किस्त दिलवाने की कृपा करें। कहाँ रहती हैं आप? लैंड पर हमें फोन कर दिया। क्या समस्या है आपकी? आवास की सर समस्या है हमारी, और एक किस्त आ चुकी है और दूसरे पे जब सर्वे हुई तो हम लोगों को ये जानकारी नहीं दी गई कि किस वजह से हम लोगों की आवास रुका हुआ है, और हम लोग विधायक जी के पास भी गए, उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। आज आप लोगों ने जो तहरीर दी है उसमें क्या कहा है? यही कहा है कि भाई हमारी समस्या का हल निकाला जाए। हमारी पहले किस्त आ चुकी, फिर किस वजह से क्या वजह हुई जो हमारी आपात किया गया है? क्या समस्या थी आपकी, आपने जो आज एप्लीकेशन दिया है? अरे भाई, हम लोग बहुत गरीब बहुत परेशान लोग हैं, 1.5 साल हुई हमें कमरे मिली, पहले किस्त हमें मिली थी, दोबारा कोई हमारी सुनवाई नहीं, पहले पात्र कर दिया और बाद में नापात्र कर दिया, इसका कोई हल ही नहीं कर दिया। क्या बात, हम लोग बाहर पन्नी में पड़े हुए, हमारे बाली बच्चे से परेशान, हम बताओ क्या करें, हम लोग हम गरीब लोग हैं कतई, और हमारी अगर जाँच कराई जाए फिर से तो देखें कि नापात्र हों, तो अगर पात्र हों तब दिया जाए हमें कपड़ा। आज आप लोगों ने जो एप्लीकेशन दिया है तो यहाँ पर क्या आपको बताया, आश्वासन दिया गया?